हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने साइंस क्लास 4 के 3 चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी, आज हम क्लास 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने सर्विस इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। साइंस के साथ साथ हमने मैथमेटिक्स की भी वीडियोस अपलोड किए और मॉक टेस्ट भी अपलोड करिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में हम सिंधी, सोशल स्टडी और इंग्लिश वगैरह के भी लेसन अपलोड कर देंगे। तो आइए अब चलते हैं क्लास 4 की एक्सरसाइज की तरफ। आज हम चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा है चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 है लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। वो 48 पेज पे, ये देखें ये चैप्टर है। तो इसकी हमें जो एक्सरसाइज है वो है पेज नंबर, आपको मैं बता दूँ कि 63 पेज पे एक्सरसाइज है। ये देखें ये एक्सरसाइज है। इसमें पहली जो एक्सरसाइज है वो ट्रू फॉल्स की है, वो आपको मैं कराता हूँ अभी। उसमें पहला जो क्वेश्चन है कि लैंड इज़ नॉट अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, कि लिविंग कंपोनेंट नहीं है लैंड एनवायरनमेंट का। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है इसका जवाब। तो इसकी जो बुक में गिवन है मैं आपको बता दूं, वो पेज नंबर आप आएँ 51 पे देखें। तो लैंड नॉन लिविंग, ये देखें नॉन लिविंग में क्या कौन कौन से आते हैं, सन आ जाता है और वाटर आ जाते हैं, लैंड आ जाती है, एयर आ जाती है। तो लिविंग कंपोनेंट में लैंड नहीं है, तो ये बिल्कुल उसका आंसर सही था। ठीक है, तो हम पहले को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। फर्स्ट नंबर ट्रू हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग इज़ अ लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, तो इंसान जो होते हैं वो जानदार होते हैं, तो लिविंग कंपोनेंट होंगे एनवायरनमेंट के, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो इसको भी हमने हाईलाइट कर देना है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बुक में गिवन है, ये स्टेटमेंट अच्छी है। तो मैंने उसके बाद सी क्वेश्चन है, ग्रास लैंड हैव मैनी ट्रीज़, तो जो ग्रास लैंड होते हैं वो उसमें ग्रास ज़्यादा होती है और ट्रीज़ कम होते हैं। ठीक है, ये बुक में पेज नंबर 53 पे आप देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो आप देखें इन नॉन लिविंग कंपोनेंट में आते हैं, ये देखें ग्रास लैंड्स आर लैंड्स विद ग्रासेस इन नॉट लार्ज शर्ब्स और ट्रीज़। ठीक है, उसमें जस्ट छोटी छोटी ग्रास होती है और उसमें ट्री वगैरह नहीं होता। तो इसमें तो इसका जो ट्रू फॉल्स का आंसर है वो आप देख ले इसमें क्या आ जाएगा। तो लिखा हुआ ग्रास लैंड्स हैव मैनी ट्रीज़, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, उसमें ट्रीज़ कम होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर फॉल्स है। वेट लैंड इज़ अ वाटर एनवायरनमेंट, तो ये आप पेज नंबर आए 62 पे, तो मैं आपको बता दूं, ये देखें अभी वाटर के जो एनवायरनमेंट है वो देखें क्या है, लेक है, सी है, वेट लैंड है, रिवर है, ओशन है, यहाँ पौंड है, जो जिस जहाँ भी पाना होगा वो वाटर के एनवायरनमेंट होंगे। तो ये बिल्कुल अगर पेज नंबर पे आए तो ये क्या है, वेट लैंड इज द वाटर एनवायरनमेंट, तो ये ट्रू है, डी नंबर इसका आंसर ट्रू होगा। हर्बीवोर्स ईट, ई नंबर है, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं उसको हम हर्बीवोर कहते हैं, जैसे कि गाय हो गई, बकरी हो गई, तो वो होते हैं हर्बीवोर्स। लेकिन एनिमल्स भी इधर लिखा हुआ है, जो प्लांट्स भी खाए वो एनिमल्स भी खाए,
तो वो ओमनीवोर्स होते हैं। ये हर्बीवोर्स की डेफिनेशन गलत है तो हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एफ ए एनिमल दैट ईट हर्बीवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो इसका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। एनिमल दैट ईट हर्बीवोर्स, तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद जो जी है एनिमल्स दैट ईट कार्निवोर्स आर सेकेंडरी, तो इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि ये टर्शरी हो जाएंगे। ठीक है, एनिमल दैट ईट कार्निवोर्स आर सेकेंडरी नहीं होते लेकिन वो टर्शरी होते हैं। उसके बाद ऑल फूड चेन स्टार्ट विद सन, तो ये बिल्कुल सही है। सन जो सूरज होता है उसी से फूड चेन स्टार्ट होती है, तो ये भी हम ट्रू कर देंगे। उसके बाद जो हमें एक्सरसाइज गिवेन है वो ट्रू फॉल्स किए, उसमें आप देखेंगे व्हाट इज़ ना, पहला ट्रू फॉल्स है व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन लिविंग कंपोनेंट ऑफ लैंड एनवायरनमेंट। तो लिविंग कंपोनेंट कौन सा चीज़ नहीं है इसमें, तो फ्लावर प्लांट्स लिविंग है, फ्रॉक्स भी लिविंग है, आयरन जो रॉक होता है पत्थर वो लिविंग कंपोनेंट नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन रॉक। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हिच इज़ नॉट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, गार्डन है, स्टोर रूम है, पॉन्ड है, तो स्टोर रूम एनवायरनमेंट में नहीं आता, तो हम इसको आंसर कर देंगे बी। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे तो विच ऑफ दीज आर नॉट फाउंड इन द फूड वेब, फूड वेब में कौन सी चीज़ नहीं आती, तो फूड वेब में एयर हमारी नहीं आती, सन और ह्यूमन प्ले करता है पार्ट, तो एयर हमारी फूड वेब में कम पार्ट करती है प्ले, तो ये एयर आ जाएगी वो लिविंग कंपोनेंट में नहीं। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स टू विच एनवायरमेंट वुड दे बिलोंग, अगर नीडल लाइक लीव्स होते हैं प्लांट्स में तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं होता और वो प्लांट्स ग्रो नहीं करते, तो हमें क्या मिलता, डिजर्ट मिलता, बयाबान, तो कोई भी पैदा पौधा वगैरह नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज़ द की रोल ऑफ डीकम्पोजर, डीकम्पोजर का क्या होता है रोल, तो डीकम्पोजर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एनिमल्स को। ठीक है, तो उसका जो पहली जो ऑप्शन है तो उसका ये ऑप्शन है ब्रेक डाउन डेड एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद है इन विच ग्रुप वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स कौन से होते हैं, कार्निवोर्स वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं, ओमनीवोर्स वो होते हैं जो गोश्त भी खाए और प्लांट्स भी खाए, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाए, तो हम क्या होते हैं जो इंसान होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं क्योंकि वो दोनों चीज़ें खाते हैं, ओमनीवोर्स ये हो गया। उसके बाद जो सातवां नंबर क्वेश्चन है द व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेवल इन फूड चेन, तो पहले क्या चीज़ आती है, डिकम्पोजर आते हैं या प्रोड्यूसर आते हैं या कंज्यूमर, मतलब पहले पहले क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स, जो चीज़ बनती है उसके बाद खाई जाती है। ठीक है, प्रोड्यूसर पहले आते हैं, उसके बाद कंज्यूमर होते हैं वो जो वो खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, और उसके बाद होते हैं डिकम्पोजर जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट सीरीज है वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डिकम्पोजर, इसमें से जो मोल्ड है ऑप्शन नंबर बी वो डिकम्पोजर है, बाकी जो है वो कंज्यूमर है। तो इसके बाद जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो आप देखें व्हिच लिविंग थिंग वुड डिक्रीज इफ नंबर ऑफ फ्रॉक्स इंक्रीज, तो फ्रॉक्स क्या खाते हैं, वो स्नैक्स खाते हैं, तो इसका आंसर स्नैक हो जाएगा। व्हिच बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है, वो कंज्यूमर होता है, वो चीज़ें खाता है, डिकम्पोजर नहीं होता ना प्रोड्यूसर होता है, तो इसका आंसर कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, ये टू फॉल्स थे और हमने ब्लैंक्स भी कर दिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप बुक में से रीड कर लिए जाएगा,
अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो मैंने वो अलग से नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है। और अगले लेक्चर में हम क्लास फोर का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, उसके साथ साथ मैथ भी हम कवर कर रहे हैं। तो सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सकें। आप अपना ख्याल रखेंगे। शुक्रिया।